कक्षा 9 के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे पार्ट 3 के अंदर जो है पुनर्निर्माण। अब आप ध्यान दीजिए कि हमने पिछले अध्याय के अंदर देखा था कि किस तरह से लोकतंत्र का ध्वंस होता है, लोकतंत्र जो है किस प्रकार से समाप्त होता है, किस प्रकार हिटलर जो होता है वो नास्ती पार्टी के द्वारा जो है बहुमत में आता है और फिर बाद में लोकतंत्र जो होता है उसको धीरे धीरे समाप्त करता है। ये घटना हमने जो है पिछले अध्याय के अंदर जो है ये हम पढ़ चुके हैं। अब हिटलर जो समय जो है, आज हम पूरे जो अध्याय पढ़ेंगे वो समय 1931 से लेकर 1939 तक का समय है और इसके बाद में जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। इसके बाद 1939 से जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह शुरू हो जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की जो घटना जो है उनके बारे में हम देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले क्या क्या होता है और हिटलर जो है क्या क्या प्रयास करता है। अब हिटलर जो है काफी शक्तिशाली बन जाता है तो उसके सामने भी बहुत सारी समस्याएं होती है। उसे भी लगता है कि ये समस्या जो जिनके द्वारा वो आगे आया है ये समस्या उसके लिए भी होगी। तो सबसे पहले व्यवस्था क्या थी कि भी अर्थव्यवस्था को और राजनीतिक रूप से जो है वो जर्मनी को मजबूत किया जाए। तो आर्थिक और राजनीतिक इन दोनों से जो है जर्मनी को जो है मजबूत किया जाए। तो इसके लिए जो है आर्थिक रूप से जर्मनी को मजबूत करने के लिए किस दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जो है जर्मनी जो है ये मजबूत हो एक अर्थशास्त्री को नियुक्त करता है, ये कार्य सौंपता है। जिनका नाम होता है यालमार शाफ। तो यालमार शाफ जो होते हैं इनको नियुक्त किया जाता है कि ये आप जो है ये सारे कार्य जो है कीजिए। कहीं जगह हजमार जो शाफ नाम भी आता है अपनी किताब, यालमार शाफ नाम दिया गया है। तीन जानेंगे यालमार शाफ जो है इनको नियुक्त किया जाता है अर्थशास्त्री होते हैं कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था को जो है किस प्रकार से जो है मजबूत किया जा सकता है ये कार्य आप कीजिए। अब ये क्या कार्य करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। ये एक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और उस कार्यक्रम का नाम होता है रोजगार संवर्धन कार्यक्रम। इनके द्वारा एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है रोजगार संवर्धन कार्यक्रम। संवर्धन का मतलब होता है किस तरह से बढ़ाया जाए रोजगार को, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से जो है जर्मनी की जो स्थिति खराब होती है तो बहुत सारे जो युवा लोग होते हैं वो आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित हो जाते हैं और बेरोजगारी जो होती है वो तख्त अपने लगाकर गले में जो है घूमते हैं कि हमें रोजगार मिल जाए। तो इसके लिए जरूरी था कि पहले जो है रोजगार की समस्या जो है ये समाप्त की जाए। इसके लिए वो क्या करता है कि सरकारी पैसे पर चाहे किसी दूसरे देशों से लोन लेना पड़े या कुछ भी करना पड़े तो सरकारी पैसे से जो है सरकारी पैसे से इनका लक्ष्य क्या होता है कि सरकारी पैसे से जो है ये सारे कार्य किए जाए और रोजगार जो है ये बढ़ाया जाए। अब इसके लिए क्या तय करते हैं कि 100% जो है ये उत्पादन हो और 100% ही जो है लोगों को रोजगार मिले, लोगों को रोजगार मिले। तो ये वालमार्ट जो शाख जो होते हैं उनके द्वारा जो सरकारी पैसे से जो है योजना बनाई जाती है रोजगार संवर्धन योजना और इसके अंदर जो है 100% उत्पादन हो और 100% लोगों को जो है रोजगार मिले, ये इस योजना के द्वारा जो तय किया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो बेरोजगार नहीं रहे। अब इस योजना के द्वारा जो ये जो लक्ष्य रखा गया था इस लक्ष्य के अंदर ये क्या कार्य करते हैं, एक तो ये निर्माण करते हैं सुपर हाईवे का।
सुपर हाईवे। तो सुपर हाईवे का निर्माण क्या होता है, एक कार का निर्माण करते हैं, कार फॉक्स वेगन। अब इसको थोड़ा समझेंगे, सुपर हाईवे का मतलब होता है कि जो रास्ते जो होते हैं उन्हें बड़े बनाना, एक लंबी दूरी तक जो है रास्ते बनाने का कार्य जो है इनका कार्य करता है। इनके द्वारा क्या होता है, इनके सैनिक जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आसानी से जा सके, और जो भी उपयोगी वस्तुएं होती है वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ सके, इसके लिए इनका निर्माण किया जाता है। और इसी प्रकार जो है जैसे हमारी कारें होती है, उस तरह कार जो होती है, कार फॉक्सवैगन जो होती है, इसका भी निर्माण यहाँ होता है कि इन्हें दूसरे देशों में बेचेंगे, उनके द्वारा जो पैसे आएंगे उनके द्वारा लोगों को रोजगार भी मिलेंगे और देश की आर्थिक व्यवस्था जो है ये भी मजबूत होगी। तो ये काम जो है वाल्मार साहब के द्वारा, जो उनके अर्थशास्त्री जो थे उनको ये काम सौंपा जाता है और ये काम को वो जो है वो करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है, सारी चीजें बताती है। अब हिटलर जो होता है ये हमने आर्थिक दृष्टि से देखा था कि आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए जो है क्या कार्य किया जाता है। अब राजनीतिक दृष्टि से जो है मजबूत करने के लिए क्या क्या कार्य होते हैं वो हम देखेंगे। तो राजनीतिक दृष्टि से जो है मजबूत करने के लिए जो है मैंने यहां दिख रहा 1933 से लेकर 1939 है, सबसे पहले 1933 में जो है क्या घटना घटित होती है उसका अध्ययन हम करेंगे। 1933 के अंदर जो है ये क्या होता है कि ये एक नेशन से जुड़े होते हैं, एक संस्था से जुड़े होते हैं जिसका नाम होता है लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, इस संस्था से हिटलर को लगता है कि काम करने के अंदर जो है कुछ बाधाएं आ रही है, वो उसे ढंग से स्वतंत्र रूप से जो है वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे जो अपना वो पल्ला झाड़ लेता है। पल्ला झाड़ने का मतलब क्या होता है कि इस संस्था से वो हट जाता है, अपने आप को इस संस्था से जो है हट जाना, तो इस संस्था से जो है हिटलर हट जाता है। 1933 के अंदर सबसे पहले कार्य हिटलर के द्वारा ये किया जाता है कि लीग ऑफ नेशन एक संस्था होती है जिससे हिटलर जो है हटता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे कार्य करने के अंदर जो है ये बाधाएं आ रही है, वो पूरे ढंग से जो है वो कार्य नहीं कर पा रहा है। अब अगली घटना पढ़ेंगे 1936 के अंदर जो है क्या होता है। के अंदर जो है राइनलैंड पर कब्जा कर लेता है। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, राइनलैंड एक क्षेत्र था जहां पर जो है कोयला उत्पादन क्षेत्र था, और हमने देखा था कि वर्षा की संधि के बाद में जो इनके ऊपर हर्जाना लगा देता है वो ये जब चुका नहीं पाते हैं तो इस क्षेत्र पर दोबारा जो है फ्रांस जो होता है वो अधिकार कर लेता है। फ्रांस का अधिकार जो है इसके ऊपर होता है, तो ये इनके क्रोध था, बदले की भावना थी, अपना अपमान समझते थे, इसलिए सबसे पहले जो है 1936 के अंदर ये जो है राइनलैंड के ऊपर अपना अधिकार करते हैं और वर्सा की संधि का जो नियम जो था उसको ये तोड़ते हैं। तो 1936 के अंदर इनकी शुरुआत होती है, सबसे पहले ये राइनलैंड नामक जो क्षेत्र जो है जर्मनी के अंदर उसके ऊपर ये वापस अपना अधिकार कर लेते हैं, क्योंकि ये स्थान की जमीन के अंदर था लेकिन फ्रांस ने इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, तो ये वापस जो है राइनलैंड नामक क्षेत्र जो है इस पर अपना कब्जा करते हैं। दूसरी घटना जो होती है ये घटना घटित होती है आपकी 1938 के अंदर, 36 के बाद में जो है अगली घटना घटित होती है 38 के अंदर। इससे पहले जो है हिटलर जो होता है सभी लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए एक नारा देता है, एक जन एक साम्राज्य एक नेता, एक जन एक साम्राज्य एक नेता। तो ये नारा जो है एक जन एक साम्राज्य एक नेता, ये नारा हिटलर के दिया जाता है। और 1938 में जो है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को जो है जर्मनी में मिला लेता है। 1938 के अंदर जो है ऑस्ट्रिया जो है उसको जर्मनी मिला लेता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए जर्मनी हो तो इसके ठीक नीचे वाला जो भाग जो है ये ऑस्ट्रिया है, ये जर्मनी है ये ऑस्ट्रिया है, दोनों जो क्षेत्र जो है उनकी संस्कृति जो है बहुत कुछ मिलती जुलती है, जर्मन भाषा को बोलना वहां के रीति रिवाज वगैरह जो है, इसलिए ये नारा देकर जो है
ये ऑस्ट्रिया को प्रभावित करता है और अपने क्षेत्र के अंदर जो है मिला लेता है। ये घटना जो होती है ये 1938 के अंदर होती है कि जर्मनी के अंदर जो मिला लेता है। अब आगे जो है ये बीच वाला जो क्षेत्र जो है इस क्षेत्र पर भी अधिकार करता है तो चेकोस्लोवाकिया जो है उसके कब्जे में एक क्षेत्र था। देश का नाम है और इसका एक क्षेत्र पर जो है अधिकार होता है। सुडेटलैंड क्षेत्र जो है इस क्षेत्र प्रांत पर जो है ये चेकोस्लोवाकिया का इसके ऊपर कब्जा किया होता है। सुडेटलैंड प्रांत इसके ऊपर वापस जो होता है जर्मनी जो अपना अधिकार कर लेता है हिटलर के द्वारा जो है इसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया जाता है। और ये जो क्षेत्र जो होता है यहाँ के लोग अधिकांश जो होते हैं वो जर्मन भाषी होते हैं, जर्मन की भाषा जो है ये बोलने वाले लोग होते हैं। इसलिए हिटलर जो होता है इस क्षेत्र के ऊपर जो है सुडेटलैंड प्रांत जो है इसके ऊपर अधिकार कर लेता है। जैसे ही वो इसके ऊपर अधिकार करता है उसके बाद वापस जो है चेकोस्लोवाकिया के ऊपर भी अपना अधिकार कर लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं 33 के अंदर, 36 के अंदर, 38 के अंदर और उसके बाद में चेकोस्लोवाकिया जो है इसके ऊपर जो हिटलर के द्वारा जो है अधिकार कर लिया जाता है। अब आगे हम देखेंगे कितना सब कुछ हो रहा था। वर्षा की संधि को जो है अवमानना हो रही थी उसको मान नहीं रहता हिटलर। वापस जो है जर्मनी की शक्ति को बढ़ाकर जो है अन्य क्षेत्रों पर जो है अधिक से अधिक अपना अधिकार कर रहा था। तो ऐसे समय के अंदर जो है जो शक्तिशाली देश जो थे जैसे इंग्लैंड है या अन्य देश होते हैं वो क्या कर रहे थे। तो इंग्लैंड और अन्य देश होते हैं उनको ऐसा लगता था कि जो वर्सायल की जो अपमानजनक संधि जो हुई थी वर्सायल की अपमानजनक संधि ये संधि जो थी इसकी वजह से वो गलत थी और जर्मनी के ऊपर जो है काफी जो है इस तरह की जो है सत्य रखी गई थी जो काफी जो है उनके लिए अपमानजनक थी। तो इस नफरत की वजह से जो है ये सारा कार्य जो है ये कर रहे हैं और उनको ये लगता था कि सही कर रहे हैं उनके मन में ऐसा था और उतना गहराई से नहीं सोच रहे थे कि आगे जाकर इससे क्या परिणाम हो सकते हैं। इसलिए इंग्लैंड और अन्य देश जो थे वो इसके ऊपर विशेष ध्यान जो है वो नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे जैसे जैसे हिटलर की ताकत बढ़ती जा रही थी हिटलर जो था अधिक शक्तिशाली जो है वो बनता जा रहा था। और अपने संसाधनों की बढ़ोतरी के लिए भी वो प्रयास कर रहा था। संसाधनों के बढ़ोतरी के लिए भी जो है वो प्रयास कर रहा था। ऐसे में वो क्या कर रहा था अधिक से अधिक हथियार खरीदना या अन्य प्रकार के जो है विस्फोटक चीजें जो है वो प्राप्त करना चाहता था। तो उनके जो अर्थशास्त्री जिनके बारे में हमने बताया था वाल्मार साक्स जो थे वो साक्स उसको मना करते हैं कि भी आप जो अभी जो है हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि हम जो है इस प्रकार से पैसे वगैरह खर्च कर सकते हैं। तो हिटलर जो होता है इस साक्स को भी जो है हटा देता है। और उसके बाद आगे जो है हम देखेंगे किस प्रकार से व्यक्ति विकसित होता है और हिटलर का जो है पतन होता है। तो आज के इस पूरे अध्याय को आप जो है ध्यान से पढ़ना जो चीज समझ में नहीं है दोबारा देखना। धन्यवाद।